प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदौर में 23 जून को प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। यह कार्यक्रम इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का दौरा किया। पीएम मोदी के इंदौर दौरे को लेकर नेहरू स्टेडियम को स्वच्छ भारत सेंटर के रूप में सजाया सवारा जा रहा है। कलेक्टर निशांत वरवड़े, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, निगम आयुक्त आशीष सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने स्टेडियम का दौरा किया। प्रधानमंत्री की अगवानी की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। सरकार ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए, साथ ही बारिश को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की। माननीय प्रधानमंत्री जी का 23 तारीख को कार्यक्रम इंदौर में प्रस्तावित है। इंदौर शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में जो 1,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो गृह प्रवेश हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट करने के माध्यम से शुभारम्भ उनके कर कमलों से यहाँ पर इंदौर में होगा। इसके साथ साथ में इंदौर शहर पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ शहर स्वच्छता के रूप में उभर के लगातार दूसरी बार सामने आया है। उन प्रयासों को भी इसी प्रकार से जो स्वच्छ अवार्ड के तहत में जो अन्य निकाय जिनको सम्मानित किया जाना है, उनमें से कुछ चुनिंदा निकायों का सम्मान भी यहाँ पर होना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ बाकी अन्य योजनाएं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, शासकीय योजनाओं का शुभारंभ भी आपके कर कमलों से यहाँ किया जाएगा। उसी तारतम्य में हम सभी लोगों को हम लगातार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं ग्राउंड की, ताकि सारी व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल रहें, सुरक्षा भी बहुत पुख्ता रहे और कार्यक्रम में शरीक होने वाले जो व्यक्ति हैं, आमजन हैं, उनको भी कोई समस्या ना रहे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार पीएम मोदी के दौरे का पूरा फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।